राहत मिलना चाहिए। हर चीज़ तो महंगाई आसमान छू रहा है। हम लोग सरकार चाहते हैं कि हर चीज़ मैंने कम दर पे मिले हम लोगों को, ताकि आम जनता को सहूलियत हो किसी की, क्योंकि हर किसी का तो सरकारी परमानेंट नौकरी नहीं है ना, क्योंकि हर तरह के लोग हमारे यहाँ रहते हैं। हर तरह के बजट कम होगा तो सभी को सुविधा होगा हर चीज़ के लिए। उम्मीद तो है, उम्मीद ही कर सकते हैं। देखिए हमें तो दिक्कत होगी ही, क्योंकि घर में हमें राशन पानी सब कुछ चलाना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम बच्चे को लेकर बाहर जाते हैं तो वो लोग खाने पीने में वही डिमांड करते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो उसमें भी जब भी निकल रहे हैं तो एक जब लिमिट में रहता है खर्च तो हम उसे बेयर कर लेते हैं। अगर बच्चों को तो रोज़ निकलना है, रोज़ जा रहे हैं, अगर इन सब चीज़ों में अगर महंगाई बढ़ जाती है तो फिर निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। और कोरोना में तो हमारा ऐसे ही बुरा हालत था, और अब जब आया है तो हम पहले सर्वाइव करने के लिए ही सोच रहे हैं, और उसमें अब ये GST बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी, तो उसमें तो फिर दिक्कत होने वाली है। हमें लग तो यही रहा है हम लोगों को कि जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है, और आगे भी मुझे यही लग रहा है कि महंगाई तो और बढ़ने ही वाली है, तो घटने का तो कोई चांस ही नहीं लग रही है हम लोगों को। वो तो नहीं है, वो तो देखने से भी पता चल रहा है कि हमेशा महंगाई तो आगे बढ़ती ही जा रही है, वो तो कम नहीं हुई तो वो तो आगे और बढ़ेगी। सीनियर सिटीजन को तो हम लोग को तो यही काम है कि कहीं बच्चों से मिलने जाना है, बाहर सफ़र करने, कहीं घूमने फिरने जाना है, तो पहले सीनियर सिटीजन का पैसा बहुत कम होता था, और अभी जितना सब लोग का है उतना ही है, तो हम लोग को बहुत मुश्किल हो गया है कि कैसे चलाया जाए। सब इस बारे में सरकार सोचे कि क्या होना चाहिए, हम लोग के ऊपर कृपा करें। तो क्या उम्मीद है वो थोड़ी कम हो? आज रोज का खाने पीने का सामान कह लीजिए, गैस का सिलेंडर कह लीजिए, सब्जी कह लीजिए, सब इतना महंगा हो गया है कि आम आदमी को अपना बजट ठीक करना बहुत मुश्किल है। हम उम्मीद करते हैं कि लोग इस पे ध्यान देंगे, सीतारमन जी थोड़ा आम जनता की बात सुनेंगी, महंगाई थोड़ी कम होगी। आजकल आने जाने का भी आप देखेंगे तो खर्चा इतना बढ़ गया, कहीं से कहीं तक जाना, पेट्रोल का दाम इतना बढ़ गया है कि लोगों की ज़रूरतें पूरी करना मुश्किल हो गया है। तो उम्मीद है, सरकार से उम्मीद करते हैं कि कुछ हमारी मदद करेंगे।